अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हमारे बनने जा रहा है आलू और चिकन के ड्रमस्टिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, ये मैंने ले लिए हैं आलू, ले लिए हैं 2 अदद, और चिकन हमने ले ली है 250 ग्राम। इन सबको हम एक पैन में डाल देंगे। नमक जाएगा इसमें 1.5 टेबल स्पून, और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून। क्रश रेड चिली जाएगी इसमें 1/2 टेबल स्पून। चाइनीज़ सॉल्ट जाएगा इसमें 1/2 टेबल स्पून। अगर आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट नहीं है, आप चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर जाएगा 1/2 टेबल स्पून। सोया सॉस जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून। अब हम इसमें डाल देंगे 1 ग्लास भर के पानी डाल देंगे। मिक्स कर लें इसको। उसके बाद अब हम इसको कवर करके पका लेंगे। जब उसका पानी सूख जाएगा, ये देखिए बिल्कुल पानी ड्राई हो गया है, चिकन और आलू गल गए हैं। उसके बाद हमने इसको मैश कर लेंगे एक बाउल में। दोनों को मैश करने के बाद 3 टेबल स्पून हमने इसमें मायोनीज डाल दिया। और अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। अच्छे से अब इन दोनों सबको मिक्स कर लीजिए। अच्छा जी, तो ये देखिए मिक्स हो गया। अब आप इस तरह के पॉप्सिकल स्टिक्स ले लीजिए, हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, और इसी तरह हमने इसको एक बॉल का शेप देके बीच में स्टिक लगा के उसको शेप देनी है। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। ब्रेड क्रम्स ले लेगा आप, अंडा बीट कर लीजिएगा। पहले एग में उसको रोल कर लें, उसके बाद ब्रेड क्रम्स। इसी तरह हम सबको पहले एग में एग लगा लेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। या आप रख के फ्रीज भी कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको बैटर लगा के फ्रीज कर लीजिए, और उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। उसके बाद अब हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से। तो तैयार है हमारे चिकन और आलू के ड्रम स्टिक। इंजॉय।